दरभंगा में पुलिस की गाड़ी पलटी, सिपाही की मौत, पिकअप वाहन का पीछा करने के दौरान हुआ हादसा। दरभंगा में सड़क हादसा हुआ है जहां दरभंगा पुलिस की गाड़ी पलट गई है। इस घटना में चालक की मौत हो गई है और अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के दरभंगा में मणिगाछी थाना क्षेत्र के NH 27 पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तेज गति से पिकअप का पीछा करते हुए गश्ती गाड़ी पलट गई। पुलिस की गाड़ी के पलटने से चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना में 3 अन्य पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज मधुबनी जिला के पंडौल स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस हादसे में पुलिस वाहन चालक औरंगाबाद निवासी विनोद कुमार सिंह के पुत्र सिपाही रविकांत कुमार घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मणिगाछी थाना के अधिकारी मौके पर पहुंचकर घायल प्रमोद कुमार सिंह, विपिन कुमार पासवान, सत्येंद्र कुमार सिंह सहित टेम्पो में चोटिल यात्री को इलाज के लिए मधुबनी जिला के पंडौल स्थित निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मृतक चालक का शव पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। बताया जाता है कि मंगलवार को मणिगाछी थाना की पुलिस NH 27 पर वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। उसी क्रम में तेज गति से आ रही पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, जिस पर पिकअप का चालक अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लगा। यह देखकर गश्ती गाड़ी ने पिकअप वैन का पीछा करना शुरू कर दिया। तभी यात्रियों से भरे एक ऑटो को ठोकर मारते हुए पुलिस गाड़ी सड़क के दक्षिण किनारे अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फीट नीचे पलट गई और इतना बड़ा हादसा हो गया।